हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद आयशा। एक बार साइड को रखते हैं एंड हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ ग्राफिक्स, जो हम बेसिकली आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो आपको सिलेबस में 5 इम्पॉर्टेंट ग्राफिक्स दे रखी हैं जिनके आने के चांसेस 100% हैं। इनमें से कोई भी 2 या 3 तो हर बार आता ही आता है। सो आपको अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए, आर्टिस्ट और उनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी। तो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि है क्या क्या एक्चुअली। सो वर्पुल जो ग्राफिक है उसके आर्टिस्ट ने कृष्णा रेड्डी। वर्पुल वॉशिंग मशीन का भी नाम होता है एंड कृष्णा रेड्डी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कृष्णा रेड्डी ने एक नया वॉशिंग मशीन खरीदा जिसका वर्पुल ब्रांड का। सो कीपिंग जोक्स अपार्ट, सेकेंड वन इज चिल्ड्रेन। Children is made by the artist Somnath Hoare. Third one is Devi. Devi is made by Jyoti Bhatt. Graphic is of walls and it was made by Anupam Sood. And fifth one is Man, Woman and Tree. And the artist of Man, Woman and Tree is K. Lakshma Gaur. Discuss करेंगे इसमें Whirlpool graphics के बारे में। Guys, ये है graphic Whirlpool और इसके painter हैं कृष्णा रेड्डी। As we discussed earlier, medium is paper. It is made upon a simple paper and time is 1962 AD. Period modern and technique is intaglio. Collection National Gallery of Modern Art, New Delhi. So moving on to the subject matter, Krishna Reddy's Whirlpool is a famous graphic print that has received acclaim everywhere. Guys, Krishna Reddy's Whirlpool is a famous graphic print. ये बहुत ही famous graphic print है that has received acclaim everywhere. लोगों ने इस graphic की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करी थी उस time पे। और देखते हैं intaglio process क्या होता है। Intaglio process is an engraved design, specially incised carving on hard material, the process of print from engraved design. इसमें क्या होता है, एक सॉलिड सरफेस होता है या फिर कोई हार्ड सरफेस होता है, उसमें हम डिज़ाइन को एनग्रेव करते हैं। जैसे लकड़ी पर कुछ लिखने को कार्विंग या फिर एनग्रेव कहते हैं, वैसे ही सिंपल पेपर पे कोई डिज़ाइन इनकार्व करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिंट फ्रॉम एनग्रेव डिज़ाइन। वर्लपूल इज़ अ नोटेबल ग्राफिकल प्रिंट। ये वन ऑफ द बहुत ही ज़्यादा नोटेबल ग्राफिक प्रिंट है दैट इज क्रिएटिंग विजुअल फ्रॉम रिजल्टिंग लाइन्स ऑफ फोर्सेज इंटर रिसीडिंग स्पेसेस। ग्राफिक की तरफ मूव करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि लाइन्स यूज हुई हैं इसमें, और लाइन्स जो हैं वो फोर्सफुली यूज की हुई हैं और वो पेनिट्रेट कर रही हैं इंटू रिसाइडिंग स्पेस। बेसिकली ये 3D लग रहा है लेकिन ये 2D सरफेस पे बना हुआ है। वर्लपूल इज अ क्रिएटिव पिक्चर इन विच रनिंग वाटर हैज बीन शोन। वाटर शो किया गया है वर्लिंग एंड सर्कुलरी अराउंड होलो अप एंड डाउन। आपको वाटर का एक कंटिन्यूस मूवमेंट दिखेगा इस ग्राफिक में। अरेंजमेंट, अब हम देखते हैं इस ग्राफिक के कंपोजिशनल अरेंजमेंट में क्या है। द वर्लपूल इज अ क्रिएशन ऑफ एन इमेज और टर्बुलेंस वाटर कमिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। ऐसा इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से जो टर्बुलेंट वाटर है वो आ रहा है और बीच में एक सर्कुलर फॉर्म में आके वो और डीप इनसाइड जा रहा है फ्रॉम ऑल साइड्स टू फॉर्म अ वर्लपूल एंड रिसाइडिंग इन टू स्पेस। कृष्णा रेड्डीज हैज सक्सेसफुल कॉट द वर्लिंग मोशन। उन्होंने जो इसका सर्कुलर मोशन है, जो घूमने पानी जो घूम रहा है, उससे बहुत ही अच्छे से नोटिस करा है थ्रू एंड थॉरली डिस्कवर अ न्यू टेक्निक ऑफ पेंटिंग। और उन्होंने एक न्यू टेक्निक खोज निकाली अपनी खुद की और जिसे नाम दिया गया विस्कोसिटी पेंटिंग। विस्कोसिटी मतलब होता है डिफरेंस इन, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स आपने पढ़ा हो, तो विस्कोसिटी मतलब यही होता है कि जो हनी और वाटर को अगर हम कंपेयर करें तो जो हनी होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है। तो उन्होंने विस्कोसिटी पेंटिंग नाम दिया इस पेंटिंग को, वर्लपूल को। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मल्टी कलर पेंटिंग कंट्रोल थ्रू विस्कोसिटी ऑफ पेंट और इंक यूज इन द पेंटिंग। अब उन्होंने बताया है कि हर पेंट और इंक की विस्कोसिटी अलग अलग होती है, उसकी जो रेट ऑफ फ्लो होती है
और जो फ्लोइंग की स्पीड होती है वो भी अलग अलग होती है। तो उन्होंने बेसिकली इसी टेक्निक का यूज करते हुए ये इंटैग्लियो इसी प्रोसेस को कहते हैं और वर्पूल का क्रिएशन करा। द प्रिंट गिव एन इमेज ऑफ फ्रोथ स्टिमुलेटिंग वेव्स कन्वर्जिंग टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम ऑल साइड्स। वही बातें बार बार बताई गई हैं। द आर्टिस्ट हैज यूज्ड डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कलर। आपको बेसिकली ये ब्लैक और ग्रे दिख रहा होगा बट आर्टिस्ट ने ब्लू और ग्रीन कलर का यूज किया था उस टाइम पे। हो सकता है कि टाइम के साथ ये फेड होकर ग्रे दिख रही हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आर्टिस्ट ने तो ब्लू और ग्रीन कलर का यूज किया था टू एनहेंस द टेक्सचर ऑफ पेंट, ताकि वो थोड़ा सा उसे रियल बना सके। तभी उन्होंने ब्लू और ग्रीन कलर का यूज किया था टू द प्रिंट विच गिव्स अ स्पेशल ब्राइटनेस। आर्टिस्ट ने अपनी खुद की टेक्निक यूज करके इस ग्राफिक को न्यू ब्राइटनेस दी है। सो गाइज, आपको बस अपनी लैंग्वेज में लिखना है इस ग्राफिक की डिस्क्रिप्शन, और मैं आपको याद दिला दूं कि आपको अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे की ग्राफिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।